Hello everyone, good evening. Good evening everyone. So today we will discuss about Odisha history. Welcome everyone, each one of you to my class. Ma'am, kuade gale, ma'am edi achanti. Ajra class time me start kariba with full josh, right? So Odisha history aao kete din rahila exam ko pakha pakhi aao 10 din bhi nahi hela 7 8 din khande achi and aao gote jinso ko remind kari tam manku that you should remember ki kali 24th hela 24th hoche kali and kali amar bahari ba admit card please remember this kali amar admit card bahibo hela samastu ko all the best so basically kali thu amar countdown ta start hi jauchi voice echo hochi अच्छा समस्या हो रही है प्रॉब्लम देखिए अच्छा तो काली हमारा एडमिट कार्ड आस ट्वेंटी फोर्थ को इको होची वॉइस समस्या गुड इवनिंग एवरीवन गुड इवनिंग एवरीवन सो या ट्वेंटी फोर्थ को आम एडमिट कार्ड आस वॉइस इको होची वॉइस इको होची एबे एबे चेक करो एबे ठीक अच्छे जदि प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन आई होप एबे ठीक थिबो ठीक अच्छे एबे आई गेस एबे ठीक थिबो एबे समस्या चेक करी कि प्लीज लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन इको होची ना नॉर्मल अच्छी अनिल कुमार प्रियव्रत राकेश प्लीज लेट मी नो कि एबे इको एबे ठीक अच्छी ओके थैंक यू सो मच सो विदाउट एनी फर्दर डिले वील स्टार्ट द क्लास राइट इमीडिएटली हमें स्टार्ट करिवा क्लास बिकॉज़ हमरा के टाइम नहीं बट रिमेंबर दिस काली हमरा एडमिट कार्ड आसीबो बेसिकली काली ठो हमरा काउंटडाउन टा स्टार्ट हे जाउची तो एबे जति की पढिच जहां भी पढिच इट्स इनफ इट्स डन एंड डस्टेड आउ ब्रेन रे इन्फॉर्मेशन एक्स्ट्रा जिबोनी बट जते भी पढिच मेक श्योर यू प्रैक्टिस दोस राइट जहां भी पढिच एबे से माने कोन एबे नॉर्मल अछि तो ठीक अच्छे तो जहाँ भी पढ़ी छो चेष्टा कर बारंबार मानते क्वेश्चन थ्रु रु प्राक्ट करेंगे राइट एंड आम मैंने सब बेले तुम सागर अच्छू स्टार्टिंग स्टार्टिंग नहीं एंड जाए आम मैंने थी तुम सागर सो स्टार्ट ओडिशा हिस्ट्री क्वेश्चन सब जाक राइट एवं स्टार्ट करिबा ओडिशा हिस्ट्री क्वेश्चन यस एंड बिफोर दैट प्लीज शेयर द लिंक विथ एवरीवन दिस इज अ फ्री प्लेटफॉर्म कंप्लीटली फ्री फ्रीली तुमको क्वेश्चन मिल जाऊँगी एंड पुणी ओडिशा हिस्ट्री एंड तुम निजे जानी थो जो मैंने मैंने पढ़ुच कि ओडिशा हिस्ट्री क्वेश्चन मिलवा बहुत कष्ट राइट बहुत लाइक मैंने मिलू ही ना क्वेश्चन भल क्वालिटी क्वेश्चन गोटे मिलूनी सो दिस इज द राइट प्लेटफॉर्म फॉर यू प्लीज शेयर द लिंक विथ योर फ्रेंड्स सो दैट एवरीवन कैन गेट द बेनिफिट ऑफ द फ्री क्लास राइट एंड कि फ्री रे चल मैंने क्वेश्चन किसी वैल्यू नहीं दैट इज नॉट द केस तो मैंने निजे जान तो मैंने बारंबार आगे अगेन इको होची अच्छा तो मैं देखो आउ थरे प्लीज लेट मी नो इफ दिस पर्सिस्ट्स ताले मते कहिबो फुनी इको होची हला तो तुमने क्वेश्चन मैंने आउ थरे फुनी इको होची नहीं तो टेक्नोलॉजी करो एटा ही भूल इट्स नॉट वेरी प्रेडिक्टेबल करी हबन किछि माने सांगे संग आर आसी के हमर टीम ठीक करिवो हैला प्लीज टिके पेशेंस तो धरो तो फर्स्ट क्वेश्चन टा तुम्हें मीनवाइल आंसर करिया को चेष्टा करो सरदार वल्लभ भाई पटेल वाज रिस्पांसिबल फॉर मर्जिंग द हंड्रेड्स ऑफ प्रिंसली स्टेट्स विद इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट एट दैट टाइम प्राइम मिनिस्टर ऑफ ओडिशा वाज हरेकृष्ण महताब V.P. Menon helped Patel to unify the states. Hare Krishna Mahatab had called the meeting in Cuttack in 1947 or all the above, right? Eta huchi amara question. Please eta answer karo samaste. Ebe thik achi to? हाँ राइट सो सरदार वल्लभ भाई पटेल वाज रेस्पॉन्सिबल प्लीज आंसर दिस क्वेश्चन आमे समस्त जानिछु कि एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस आमर पाखापाखी 525 टा प्रिंसली स्टेट भाबरे डिवाइड हे कि थिला ऑल अराउंड इंडिया एंड ओडिसा रे आमर पाखापाखी 26 टा फ्यूडिटरी स्टेट्स रहउचंती व्हिच इज डिवाइडेड इनटू थ्री क्लासेस ए बी सी तीनटा क्लास भितरे डिवाइड हे जाइथिला क्लियर अछि एटा
ତାପରେ କଣ ହଉଛି ନା ସେମାନେ ଚାହୁଁଥିଲେ କିଛିଟା ରାଜା କିଛିଟା ଫ୍ୟୁଡେଟରୀ ଚିଫ୍ ଚାହୁଁଥିଲେ କି ସେମାନେ ନିଜର ଅଲଗା ଗୋଟେ ସେପରେଟ୍ ପ୍ରୋଭିନ୍ସ କରିକି ସେମାନେ ରୁଲ୍ କରିବେ ବଟ୍ ସେଇ ଜିନିଷଟାକୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ କିଏ କରିଥିଲା ବିକଜ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ଫ୍ରମ୍ ଦି ଆଟ୍ଲି ସବ୍ କମିଟି ମନେ ରଖିବ ପିଲାମାନେ ଆଟ୍ଲି ସବ୍ କମିଟି ଆମର ଆସିଥିଲା ଆଟ୍ଲି Subcommittee which had come to Odisha, which had talked about Odisha in 1930, and aau jane thile Hawthorne Lewis. ଏଇ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ଦେ ୱେର୍ ଅଫ୍ ଦି ଓପିନିଅନ୍ କି ଓଡ଼ିଶାର ଯେହେତୁ ଲିଙ୍ଗୁଇଷ୍ଟିକାଲି ସମସ୍ତେ ଏକା ମାନେ ଯେତେ ଜାଗା ଅଛି ସମସ୍ତେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ନା ସେମ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ କହୁଛନ୍ତି ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଅବ୍ଭିୟସ୍ଲି ନେସେସରୀ କି ସେ ସବୁଯାକ ଷ୍ଟେଟ୍ସକୁ ଅର୍ ସେ ସବୁଯାକ ଫ୍ୟୁଡେଟରୀ ଚିଫ୍ସକୁ ପ୍ରୋଭିନ୍ସିଆଲ୍ ଜାଗା ଗୁଡ଼ାକୁ ଏକାଠି କରିବା ନହେଲେ ସେ ଷ୍ଟେଟ୍ଟା ଇକୋନୋମିକାଲି ଭାୟବଲ୍ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁଯାକ ଷ୍ଟେଟ୍ସ ବା ସବୁଯାକ ପ୍ରିନ୍ସଲି ଷ୍ଟେଟ୍ସ ମିଶିକି ଓଡ଼ିଶା ସହିତ ଗୋଟେ ପ୍ରୋଭିନ୍ସ ସେପରେଟ୍ ପ୍ରୋଭିନ୍ସ ହେଇନି ସେତେ ଯାଏଁ ଓଡ଼ିଶା ନଟ୍ ବି ଅ ଇକୋନୋମିକାଲି ଭାୟବଲ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ବୁଝିଗଲା ବ୍ୟାକ୍ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ପାଖାପାଖି 1930 ଆଣ୍ଡ ଦେନ୍ କଟ୍ ଟୁ 1947 ଏକ୍ଜାକ୍ଟ ଡେଟ୍ ଯଦି ମନେ ରଖିବାର ଅଛି ଇଟ୍ ଇଜ୍ 13th December 1947 ୱେନ୍ ଭିପି ମେନନ୍ ସର୍ଦ୍ଦାର ବଲ୍ଲଭଭାଇ ପଟେଲ ଆଣ୍ଡ ହରେ କୃଷ୍ଣ ମହତାବ called a meeting in Cuttack hela called a meeting in Cuttack and to discuss the things ki ke ko kemti se mane kon karibe na princely states ko ekathi kariba and Odisha gote separate province hai mane gote unify hai pariba sabu jaka princely states so at that time prime minister of Odisha was Hare Krishna Mahatab was a premier of Odisha at that particular time and then VP Menon helped Patel to unify the state and Hare Krishna Mahatab had called the meeting in Cuttack in 1947. Exact date jodi ame dekhiya gujba it is 13th December 1947. Where ame dekhi pariba Patel kon kale na Sardar Vallabhbhai Patel he talked about ki kahi ki eda necessary achi voice normal achi kahi ki eda necessary achi ki sabu jaka states ku unify kariya darkar ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କହିଲେ କି ଯେଉଁ ରିଜନ୍ ପାଇଁକି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ପ୍ରିନ୍ସଲି ଷ୍ଟେଟ୍ସର ରାଜାମାନେ ଅଛନ୍ତି ବା ଗଭର୍ଣ୍ଣର୍ମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ହେଜିଟେଣ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି ୟୁନିଫାଏ ହେବା ପାଇଁକି ଇଟ୍ସ ବିକଜ୍ ତାଙ୍କର କିଛି ସୋର୍ସ ଅଫ୍ ଇନକମ୍ ରହିବନି ତାଙ୍କର କିଛି ସୋର୍ସ ଅଫ୍ ରେଭେନ୍ୟୁ ରହିବନି ତ ସେଇ ଜିନିଷଟାକୁ ଆଡ୍ରେସ୍ କରାଗଲା କେମିତି ପିଲାମାନେ ନା ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ୍ ମାନେ ଦ ଆଇଡ଼ିଆ ୱାଜ୍ ଗିଭେନ୍ ଆବାଉଟ୍ ପ୍ରିଭି ପର୍ସେସ୍ ଆଣ୍ଡ ଏଇ ଜିନିଷଟା ଏଇ ଆଇଡ଼ିଆଟାକୁ ଏଲାବରେଟ୍ କଲେ କିଏ ନା ଭିପି ମେନନ୍ Please remember this, that the idea of privy purses to the governors of the princely states of Odisha was elaborated by V.P. Menon in the meeting of 13th December 1947, which was held in Cuttack. Clear, hela? So, answer hava option D. Answer to samasya ame janidelu, details ame dekhiba, focus kariba class re, theek hai? Hela? Then we have the Sevaghara. Sevaghara also spelled as Sevaghar or Sevaghar. At Bari is an ashram or a social welfare institution which was founded by Shri Gopabandhu Chowdhury, Srimati Ramadevi, Gopabandhu Das, both A and B. Eta answer kariyok chesta karo samaste. Please let me know what is the correct answer. Who inaugurated the Sevaghar? Right? Who inaugurated the Sevaghar or founded the Sevaghar, which is a social welfare institution? Gopabandhu Chowdhury, then we have Ramadevi, Gopabandhu Das, or both A and B, that is Gopabandhu Chowdhury and Srimati Ramadevi. It answer karo samaste. Prithviraj Biswal is the first person to answer. Jeke answer dela amaro option D hoba answer, and that is absolutely right. D hi hoba answer. But these three people are very important, right? These three people are supremely important people je ki odisha nationalism ba odia nationalism pai ke se mane bahut ladhi chanti ba tankara contribution ta immense right so let's focus on shri gopabandhu chowdhury on this question gopabandhu chowdhury kon karthile first jinsa hochi ki first hochi sevaghar eta rahila amaro second jinsa tumar mone rakhibaku padibo ki jete bela non cooperation movement pila mane hela non cooperation movement kebe heithila
नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट आम जो 1919-1920 कन्वीन ऑल ओवर इंडिया रे दिस इज द फर्स्ट मास मूवमेंट व्हिच वाज स्टार्टेड बाय गांधी हैला एंड इट एंडेड विथ चोरी चोरा इंसिडेंट राइट सब जिन रिलेट कर चोरी चोरी इंसिडेंट रे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट सरला तो ओडिशा रे भी हमें देखा पाइबा कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट होता राइट ओडिशा रे भी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट होता एंड से कौन कर नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट अलग माने फीचर्स कौन थी जमती कि स्वदेशी निजर माने कौन गुड्स प्रोड्यूस्ड बाय दर ओन कंट्री हमें यूज करवा बॉयकट करवा फॉरेन गुड्स एंड नॉट जस्ट गुड्स वी विल ऑल्सो बॉयकट ऑल द ब्रिटिश गवर्नमेंट स्कूल्स ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑफिस ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन जो मैंने अच्छा समस्त से कौन बॉयकट करने चेस्टा कले तो गोपबंधु चौधरी कौन करते ही वाज एक्चुअली द डेप्यूटी कलेक्टर राइट ही वाज एक्चुअली द डेप्यूटी कलेक्टर एंड ही लेफ्ट द ल्यूक्रेटिव पोस्ट ऑफ द डेप्यूटी कलेक्टर वंस ही जॉइन द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट एज अ पार्ट मैंने से नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट रे मिसिबा से निजर माने ए ऑफिसटा छाड़िले बुझी हूँ एज अ पार्ट ऑफ द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट सो दैट इज गोपबंधु चौधरी आउ गोटे इंपोर्टेंट जिनस मन रखिब कि जेतेबेले आमर 26 January 1930 anyone does this date ring a bell किसी बुझे मैंने 26 January 1930 किसी मन पड़े कौन होता कौन तार आग सेशन 1929 सेशन लाहौर सेशन ऑफ 1929 आम कौन देखा पाइल ना लाहौर सेशन ऑफ 1929 पूर्ण स्वराज वाज डिक्लेयर्ड एगुड़ा भी क्वेश्चन आसो पूर्ण स्वराज वाज डिक्लेयर्ड एंड द प्रेसिडेंट वाज नेहरू जवाहरलाल नेहरू राइट एंड से ट्राइकलर फ्लैग टाक होस्ट करने चेस्टा करते एंड 26 January 1930 रे कौन होड़शा ना द डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस राइट डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस वाज डिक्लेयर्ड बाय डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस वाज डिक्लेयर्ड बाय गोपबंधु चौधरी राइट इट वाज डिक्लेयर्ड बाय गोपबंधु चौधरी क्लियर हला राइट तो ये जिनस इम्पोर्टेंट अच्छी जोड़ा कि मन रखा पड़ो है रेड आउट द डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस आउ गोटे इम्पोर्टेंट जिनस मन रख जमती कि आम सॉल्ट सत्याग्रह जो डांडी मार्च है इट स्टार्टेड फ्रॉम साबरमती आश्रम इट स्टार्टेड फ्रॉम साबरमती आश्रम तो ओडिशा रे भी हमें कौन कलु बालेश्वर इंचुड़ी जोटी अच्छी सेठी से माने जीबा पेंकी चेष्टा करले डांडी मार्च इंचुड़ी मार्च तो इंचुड़ी को से माने गले स्टार्ट कोठी हला जेंती एटा साबरमती आश्रम रे स्टार्ट हला ओडिशा रे अमर सॉल्ट सत्याग्रह कोठी स्टार्ट होची द करेक्ट आंसर मन रखिबो आंसर टा जाने रखो हला इट स्टार्टेड इन द स्वराज्य आश्रम ऑफ कटक हला इट स्टार्टेड इन द स्वराज्य आश्रम ऑफ कटक हला क्लियर होची स्वराज्य आश्रम ऑफ कटक राइट सो नेक्स्ट क्वेश्चन डिटेल्स एतिके इनफ अछि हला नेक्स्ट क्वेश्चन को हमें जिबा कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स नवजीवन मंडल एस्टैब्लिश्ड एट तुम्बाडी गुड़ा ऑफ कोरापुट इट वाज फॉर्मड बाय रमा देवी इन 1956 हला एडा आंसर करो समस्या कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर करेक्ट ओनली 1 ओनली 2 बोथ 1 एंड 2 नीदर 1 और 2 तो रमा देवी को विषय रे देछ नवजीवन मंडल कोन करथिला ना बेसिकली ट्राइबल वेलफेयर राइट्स पई के लड़ूथिला हला ट्राइबल वेलफेयर राइट्स पई के से लड़ूथिला एंड सेथिरे हमें देखि परबा It was established at Tumbadi Guda of Koraput. It was formed by Rama Devi in 1956. Hala, bujhe hoche that this is the these are the two statements and you have to answer which of them is correct. To amaro correct answer hobo. Thik dekhyo. Hala, bujhe hoche.
तो समस्त आंसर दल सी ए जहाँ भी तो आंसर हूँ ऑप्शन ए वन ओनली तो नवजीवन मंडल एस्टैब्लिश एट तुम्बड़ी गुड़ा ऑफ कोरापुट इट वाज फॉर्म्ड बाय रमादेवी 1956 बोथ ठीक ना 1956 रे ही थला सो बोथ नुहे हैला एंड शी को फाउंडेड इट अनदर को फाउंडर वाज मालती चौधरी हैला तो आंसर हबो हमर ओनली वन नेक्स्ट कुली कुतुब शाह वॉज अ जनरल ऑफ सुल्तान महमूद शाह बहमनी किंगडम शाह इन्वेडेड ओडिशा इन 1522 ड्यूरिंग द रेन ऑफ विच रूलर प्रताप रुद्रदेव कुमार रुद्रदेव कपिलेंद्र देव नीदर ए और बी नाउ वॉइस ओके एडा आंसर करो समस्ते कि जेतेबेले कुली कुतुब शाह आसिले कुलीप कुतुब शाह जेतेबेले आसिले जनरल ऑफ बहमनी किंगडम ही इन्वेडेड ओडिशा इन 1522 ड्यूरिंग द रेन ऑफ विच ऑफ द विच ऑफ विच रूलर मालती चौधरी यस मालती चौधरी वाज अ वन ऑफ द को फाउंडर्स ऑल्सो एंड रमादेवी वाज ऑल्सो अनदर को फाउंडर तो आंसर हम यहाँ आंसर हमारा आसला इंदिरा इट इज प्रताप रुद्रदेव राइट इट इज प्रताप रुद्रदेव सो प्रताप रुद्रदेव बिलोंग टू दि सूर्यवंशी गजपति डायनेस्टी तो प्रताप रुद्रदेव टाइम पीरियड रे आउ गोटे जिनस हेथिला माने तांकर कंटेम्पररी जदि हम देखिया को जीवा के थिले इट वाज अ विजयनगर किंग कृष्णदेवराय एंड तांकर कृष्णदेवराय को संगरे गोटे 7 इयर्स वॉर हेथिला पिला माने मन रखिबो एडा क्वेश्चन आसीथिला लास्ट ईयर द 7 इयर्स वॉर बिटवीन कृष्णदेवराय एंड प्रताप रुद्रदेव हैपेंड फ्रॉम 1512 टू 1519 right from 1512 to 1519 this the 7 years war happened between pratap rudra deva and krishna devaraya and kuli kutub shah kon kale he was a general of mahmud shah of behmani kingdom who invaded odisha in 1522 ad during the reign of pratap rudra deva important jinso sabu mon rakha pila mane odisha ami jodi dekhiba hala odisha jodi ami dekhiba हेला तो ए पार्ट रे पूरा ओडिसा थिला तो एठी सादन रे हमर एठी ओडिसा एठी विजयनगर एठी बहमनी थिला बुझियो जी सो सूर्यवंशी गजपति डायनेस्टी टा हमर स्टार्ट होची केते बेले ना कपिलेंद्र देवंकर टाइम रे इट वाज कपिलेंद्र देव हु स्टार्टेड द सूर्यवंशी गजपति डायनेस्टी इट वाज फॉलोड बाय पुरुषोत्तम देव एंड followed by Pratap Rudra Deva to mona rakhibo ki Purushottam Deva was not supposed to be the king right he was one of the youngest princes of Kapilendra Deva the eldest son was Hambir Deva एडा मन रखिबो द eldest son was Hambir Deva and Hambir Deva कोन करथिले पिला माने मन रखो सी पुरुषोत्तम देव जिते कपिलेन्द्र देव कौन कहले कि इट वाज द लाइक तुम जानी समस्त कल्ट ऑफ जगन्नाथ के फेमस थिला कल्ट ऑफ जगन्नाथ वाज फेमस नॉट जस्ट फ्रॉम द टाइम कि जेबे जगन्नाथ टेम्पल बिल्ड है से जगन्नाथ कल्ट आम फेमस ना द नेम ऑफ पुरुषोत्तम मान जगन्नाथ है अदरवाइज नोन एज जगन्नाथ तो जो पुरुषोत्तम जो वर्ड टा अच्छी जो नेम टा अच्छी इट वाज एक्चुअली फर्स्ट मेन्शन इन द हिंदोल प्लेट इन द हिंदोल प्लेट ऑफ भौमकर रूलर शुभकर देव ला शुभकर देव मन रखिबो हिंदोल प्लेट ऑफ शुभकर देव सेथरे मेंशन अछि छड़ो ए विषय रे हम डिस्कस करथुलु कि हमवीर देव कोन करथिले ना वॉर ऑफ सक्सेशन तांको भितरे हेथिला काहा का भितरे हमवीर देव पुरुषोत्तम देवंक भितरे हेथिला तो हमवीर देव पुरुषोत्तम देवंक भितरे त वॉर ऑफ सक्सेशन हेथिला हमवीर देव कोन करथिले हेल्प नेथिले बहमनी मानंकर तो तांको दीटा जागा दिया हेथिला से दीटा जागा मन रख गोटे हुची राजमहेंद्री कोंडाबीडू और कोंडापल्ली राजमहेंद्री और कोंडापल्ली बट हमवीर देव राजा हो पारे नहीं पुरुषोत्तम देव हेले हेला तो प्रताप रुद्र देवंक बेले कौन हूँ प्रताप रुद्र देवंक बेले कौन हूँ ना जिते बड़े कुली कुतुब शाह आमर आसुचंती बहमनी रूलर कुली कुतुब शाह आसुचंती ये जो फाइटा हूँ भितर 1522 AD रे हेला
पुणी कोची जदी पर्सिस्ट करिवो जदी कंटीन्यूअसली हबो प्लीज लेट मी नो समसे माने कहूथबो मते मझे मझे रे कि जदी साउंड होचे ताले हम चेक करिया पुणी जदी मझे रे टिके हे कि अप एंड डाउन होची ताले देखियो हला तो कुली कुतुब शाह जतेबेले प्रताप रुद्र देवंग से तो फायर माने लढ़िले एंड फर्स्ट माने जो जगाटा से एनेक्स करूचंती जीती की कुली कुतुब शाह जीती जाउचंती एंड से जो जगाटा एनेक्स करचंती सेटा होचे कोंडापल्ली हला कोंडापल्ली मन आ ओटे जिंस हम पचारबे कांची कावेरी लेजेंड इज एसोसिएटेड विद इट्स ओके ओके अच्छे ना ठीक अच्छे तो कांची कावेरी लेजेंड जो हे थिला सेटा को सूर्यवंशी गजपति डायनेस्टी टाइम रे हे थिला प्रिय वर्त इको होउची कंटीन्यूअसली होउची तो समस्ते प्लीज टेक्स्ट करो समस्ते मेसेज करो एंड लेट अस नो हला लेट अस नो समस्ते मेसेज जदि समस्तकर होउथु ताले हमर प्रॉब्लम अछि हला हाँ कांची कावेरी लेजेंड पुरुषोत्तम देव राइट एब्सोल्युटली राइट तो आउ गोटे जिन मन रखियो पुरुषोत्तम देवों विषय में कि सी गोटे बहीटा लिखी थे जो दीटा बही लिखी थे एक्चुअली दीटा संस्कृत लेक्सिकॉन्स लिखी थे संस्कृत लेक्सिकॉन्स लिखी थे टू संस्कृत लेक्सिकॉन्स एंड दोस टू आर हरवली and Trikanda de Sesam hela ei dita lekhi thile nije hela iko huchi okay ame check korchu sara immediately ame check korchu hela abhinava gita gobinda bhi lekhi thile absolutely right yes so mane seta bhi lekhi thile hela abhinava gita gobinda hela harawali Trikanda Desam and एड़ा लिखित ए दीटा होचे टू संस्कृत लेक्सिकॉन्स देन लिखिथिले अभिनव गीत गोविंद हैला इको होची ओके आमे चेक करिवा एटा हैला हमर टीम चेक करूची प्लीज बेयर विथ अस थैंक यू सो मच तो माने हम से तो अच्छो एबे बने वी आर चेकिंग इट नाउ हैला एबे होनी ठीक अछि एबे ठीक अछि तो सी टे अप एंड डाउन होची हमर ओडिसा हिस्ट्री जेतु आमे पढुचू से अनुसार हमर साउंड सिस्टम टा भी माने अप एंड डाउन होची तो देखिबा हमें सिलेक्ट द इनकरेक्ट पेयर एडा आंसर करो सिलेक्ट द इनकरेक्ट पेयर अच्छा से मझेरे मझेरे टिके इको हे जाउची हैला से मझेरे टिके टिके समय पे होची तबर पूरी ठीक हे जाउची हैला तो ठीक एडा देखो एडा आंसर एबे क्लियर अछि ना थैंक यू सो मच प्लीज लिंक टा शेयर करथो हैला प्लीज लिंक टा शेयर करथो सिलेक्ट द इनकरेक्ट पेयर कवि कचंदर कालीचरण पटनायक कवि बर राधानाथ राय कवि सम्राट उपेंद्र भंज कंटक कवि फकीर मोहन सेनापति हैला एटा आंसर करो समस्ते आंसर करो समस्ते Which is the wrong one? Yes, absolutely right. This is the wrong one. Why this is the wrong one? Kanta kabhi kaha kukua jai? Continuously ho chi? Dekh, bane, thik hai jwa. Kanta kabhi kya? Vyasa kabhi Fakir Mohan Senapati? Kanta kabhi kaha kukua jai? Lakshmi Kanta Mahapatra. Mahapatra. Fakir Mohan Senapati? Kone lekhi thile? Rebati lekhi thile? बहुत गुड़े बही लिखी थे छः मैं आठ गुंडे लिखी थे बहुत गुड़े बही लिखी थे तो नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द घुमसार रेबेलियन द लीडर इज चक्रा बिसोई एंड कमल लोचन बिसोई द रेबेलियन हैपेंड इन द ईयर 1835 द कॉज ऑफ द रेबेलियन वॉज लैंड रेवेन्यू एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑल द अबव है ये आंसर करो यस लक्ष्मीकांत मिश्रा एब्सोल्युटली राइट 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 हैला एडा आंसर करो समस्ते विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स करेक्ट रिगार्डिंग घुमसार रेबेलियन हैला एडा आंसर करो समस्ते मामू राइट 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 ऑल द अबव हैला घुमसार रेबेलियन तो रेजिस्टेंस मूवमेंट्स किचरा हेथिला रेजिस्टेंस मूवमेंट्स किचरा हेथिला ओडिसा रे तो घुमसार रेबेलियन हेथिला हमरो तापरे बहुत गुडे रेजिस्टेंस रेबेलियन हेथिला किचरा अछि सेटा पढियो को पढिबो हैला रेजिस्टेंस मूवमेंट्स देन ही इज नोन एज द फादर ऑफ मॉडर्न ओडिया लिटरेचर एंड फाउंडर ऑफ न्यूज़पेपर कॉल्ड संवाद बहिका एंड इज एसोसिएटेड विथ फकीर मोहन सेनापति
गोपबंधु दास सारला देवी मनोज मिश्र एटा आंसर करो समस्ते ही इज नोन एज द फादर ऑफ मॉडर्न ओडिया लिटरेचर एंड वन ऑफ द पायनियरिंग लीडर्स और राइटर्स जे कि फेमिनिज्म को प्रोपगेट करचंती इन दैट पीरियड ऑफ टाइम राइट इन दैट पीरियड ऑफ टाइम वी कुड सी इन हिज राइटिंग स्ट्रॉन्ग वुमेन फाइटिंग अगेंस्ट सम ऑफ द सोशल इविल्स राइट बहुत गुड़े अच्छी Yes, absolutely right. It is Fakir Mohan Senapati. Fakir Mohan Senapati is one of the, considered as the father of modern Odia literature and the founder of a newspaper which is called as Sambad Bahika. And he has written several books like Rebati, which is one of the pioneering books which propagates the women rights in Odisha. And deals with several other evils of the society as well. Who formed the Utkal Young Women's Association in 1903? Who formed the Utkal Young Women's Association in 1903? Salavala Das, Sarala Devi, Kadambini Das, none of the above. Hello? It answer karo, samaste? Who formed the Utkal Young Women's Association in 1903? Samaste answer dela? कोट आंसर हम समस्ते दीटा जिनस विषय ये दीटा तो कटिगला आम शैलवाला दास गोटे दिखाई आ गए सारला देवी दिखाई है तो एटा हूँ शैलवाला दास है शैलवाला दास फॉर्म्ड दी मैंने बेसिकली यंग उत्कल यंग मेन्स असोसिएशन टा भी सी मैनेज करते एंड शी फॉर्म्ड दी उत्कल यंग विमेन्स असोसिएशन इन 1903 है देन कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स मुस्लिम रूल इन ओडिशा बिगैन इन 1568 सुलेमान करानी वाज अ लास्ट मुस्लिम रूलर ऑफ ओडिशा सुलेमान करानी अपॉइंटेड इस्माइल खान लोधी एज अ गवर्नर ऑफ ओडिशा वाइल कुतलू खान लोहानी एज द गवर्नर ऑफ पुरी सिलेक्ट द करेक्ट आंसर राइट सिलेक्ट द करेक्ट आंसर एडा आंसर करो समझते इट इज अबाउट दि इस्लाम मुस्लिम रूल इन ओडिशा राइट मुस्लिम रूल इन ओडिशा हमर केबे स्टार्ट हेथिला एंड वेदर सुलेमान करानी वाज द लास्ट रूलर राइट वाज द लास्ट मुस्लिम रूलर एंड वेदर सुलेमान करानी अपॉइंटेड इस्माइल खान लोधी एज अ गवर्नर ऑफ ओडिशा वाइल कुतलू खान लोहानी एज द गवर्नर ऑफ पुरी एटा आंसर करो समस्ते अभिजीत इको अगेन बट अगेन इको ठीक है जीवो हैला एंड यस प्लीज लिंकटा शेयर करो समस्ते राइट लिंकटा शेयर करो समस्ते जहाँ भी क्वेश्चंस अच्छी जहाँ भी हमारा क्वेश्चंस अच्छी सेटा कौन हम ना आम शेयर जो कौन ताको कहते हैं टेलीग्राम चैनल रे शेयर हो सब जाक क्वेश्चंस जो पीडीएफटा अच्छी हम टेलीग्राम चैनल शेयर हो यस यस राइट इट्स आंसर इज 1 and 3 द आंसर इज 1 and 3 ओनली राइट नेक्स्ट आसला मैच दि फॉलोइंग छाउ डांस डलखाई गोटीपु मयूरभंज संबलपुर पुरी ते जगह देची डांस देची हमको बस मैच करिवार अछि हैला तो आंसर करो समस्ते एंड प्लीज लिंक टाकु शेयर करो समस्ते हैला द क्वेश्चंस आर तमे देखि परथु को लेवल रो क्वेश्चंस अछि एंड को लेवल रो डिस्कशन चली छि हम भितरा आई वुड लव टू हैव योर पॉइंट्स ऑफ व्यू ऑन द क्वेश्चंस एज वेल हैला तमे जदि भी किछि एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जानी छौ सेटा शेयर करिया पे चेष्टा करबो यू आर एब्सोल्युटली वेलकम हैला किछि ईयर हैला बा किछि गोटे एक्स्ट्रा गोटे इन्फॉर्मेशन हैला किछि गोटे ऑप्शन बिसर गोटे किछि एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हैला तमे शेयर कर परबो एंड हमर पूरा पीडीएफ टा हमर टेलीग्राम चैनल रे शेयर होला एंड भिडटा यूट्यूब रही है तो आउ गोटे जिनस मुझी कि भिडटा जो मैंने देखुच एटलिस्ट से मैंने लाइकटा कर दिव दैट इज द बेयर मिनिमम दैट यू कैन डू फॉर अस है आउ गोटे जिनस मुझी कि जदि किसी फिडबैक अच्छी भल लगला क्लास न भल लगला क्लास जहाँ भी भल मंद सब जगह तुम निज आम कमेंट सेक्शन में लिखिपार है योर कमेंट्स आर वेरी योर फिडबैक इज वेरी मच वैल्युएबल टू अस आंसर आसीगला आम पाखे है तम आंसर हूँ ऑप्शन ए छाउ डांस से ऑर्डर ही छाउ डांस मयूरभंज डालखाई संबलपुर गोटीपुआ पुरी है
এটা অর্ডারলি দেইছি। নেক্সট আসিলা, উইচ অফ দি ফলোইং ইজ আ পার্ট অফ দি কলিঙ্গ স্টাইল অফ টেম্পল, বিমানা, জগমোহনা, ভোগমণ্ডপ, অল দি অবভ, রাইট? তো আমার কোণ হচ্ছে কলিঙ্গ স্টাইল অফ টেম্পল, তিনটা স্টাইল অফ আর্কিটেকচার তো আমি সমস্তে জানিছু, লাস্ট ক্লাসে বি আমি কইতিলু কি সেটা হচ্ছে কোণ আমার ইয়ে নগর স্টাইল অফ আর্কিটেকচার ফর নর্দার্ন পার্ট, দেন উই হ্যাভ দি ভেসার স্টাইল অফ আর্কিটেকচার ফর দি মিডল পার্ট, ফর দি সেন্ট্রাল ইন্ডিয়া পার্ট, দেন উই হ্যাভ দি দ্রাবিড স্টাইল অফ আর্কিটেকচার, দ্রাবিড স্টাইল অফ টেম্পল আর্কিটেকচার। বট ওড়িশা বিং সচ যে কুয়া যায় না, ওড়িশা ইজ ইন্ডিয়াজ বেস্ট কেপ্ট সিক্রেট, তো ওড়িশার যে লেভেল র আর্কিটেকচার অছি বা যে লেভেল র কালচারাল হেরিটেজ অছি that is unmatched. So Odisha ra jo temple guda achi tar gote separate style of architecture achi, and that is the Kalingan style of temple architecture. And sabu jinsa vimana ru arambha kari bhogamandapa jagamona tinta jaka sab present achi, to amara correct answer is all the above, right? All the above. This is an important question, this is an important question. Did you like jadi bujhi parucha, যদি বুঝি পারছো তাহলে প্লিজ থামস আপ, ইফ ইউ আর লাইকিং দ ক্লাস, ইফ ইউ আর এনজয়িং দ ক্লাস, প্লিজ প্লিজ গিভ আ থামস আপ। হেলা, ইকো হচ্ছে বাবু, ইকো হচ্ছে বট ভাল, মানে টিকে মানে টিকে দি তিন দুই মিনিট পাই কি হব, তারপরে পুনি ঠিক হয়ে যাব, হেলা, পারসিস্ট করিবনি। আচ্ছা, হ্যাঁ, তো জাস্ট আ সেকেন্ড, তুমি মানে যাও নি ক্লাসের রুহ, ইকো জোরসে হচ্ছে সেপাই, উই উইল চেঞ্জ দ মাইক নাও, হ্যাঁ উই উইল চেঞ্জ। হ্যালো স্টুডেন্টস, আই এম ব্যাক, আই গেস এবে আউ ম্যাম এই কোয়েশ্চেনটা টিকে বুঝাই দিও, অ্যাবসোলিউটলি অ্যাবসোলিউটলি মু কোন পাই অছি মোর জব আউ কোন এডি এই এবে আই গেস ভয়েস রে ইকো হউ নথিব, হ্যালা, তো আনসার ইজ নট অল দি অবভ, আনসার ইজ নট ডি, হ্যালা, আনসার ইজ নট ডি, হ্যালা, আনসার ইজ সি, খাকরা দেউল ইজ অবলং ইন শেপ, খাকরা দেউল ইজ অবলং ইন শেপ, বাকি সব দেখ, রেখা দেউল, পিরামিডিকাল রুফ, পিঢা দেউল হ্যাজ আ কার্ভিলিনিয়াস শেপ, দুইটা যাক ভুল দিয়েছি, হ্যাঁ, রেখা দেউল, পিঢা দেউল, খাকরা দেউল, হ্যাঁ, ইম্পর্টেন্ট জিনিস মনে রাখবার কোণ অছি না, রেখা দেউল হচ্ছে কার্ভিলিনিয়াস শেপ, রেখা দেউল হচ্ছে কার্ভিলিনিয়াস শেপ, সরি, হ্যাঁ, কার্ভিলিনিয়াস শেপ, দেন পিঢা দেউল হচ্ছে আমার এমিতি, ইটস লাইক আ, মানে যদি থ্রি ডি স্ট্রাকচারে দেখিব, ইটস লাইক আ পিরামিড, রাইট, ইটস তাহলে যদি ইকো হচ্ছে পিলা মানে আই হ্যাভ আ সাজেশন ফর ইউ, ইউ অল ক্যান কাম এন্ড জয়েন আস ইন দ্য বিদ্যাকর অ্যাপ, হ্যাঁ, সমস্তে আই হোপ বিদ্যাকর অ্যাপটা ডাউনলোড করি রাখিছ, যদি কোনো রাইট নাও প্লিজ ডু ইট অ্যান্ড উইল স্টার্ট দি ক্লাস, পাঁচ মিনিটরে আমি আমার লাইভ ক্লাস আমি অ্যাপ্রে করিবা, হ্যাঁ, তো প্লে স্টোর যাব পিলা মানে, হ্যাঁ, প্লিজ গো টু দ্য প্লে স্টোর অ্যান্ড ডাউনলোড দি বিদ্যাকর অ্যাপ, হ্যাঁ, বিদ্যাকর অ্যাপ যো মানে ডাউনলোড করি ন, হ্যাঁ, মানে পানি রে শুণ, সমস্তর মানে প্রবলেম হচ্ছে, আমি সমস্ত দেখবাকে পড়ব, তো কিছু জনকর মানে ফ্লো ভাঙ্গি যাচ্ছে না, যেতবে কুমার কি ইকো হচ্ছে, তো প্লিজ ডাউনলোড করে দিও বিদ্যাকর অ্যাপ, জলদি আসিকি অ্যাপ্রে মতো দেখা কর, আমি সেইটি অধা বাকি কোয়েশ্চন ডিসকস করা, হ্যাঁ, ফাইভ মিনিটস, ফাইভ মিনিটস আস, ওড়িশা হিস্ট্রি কোয়েশ্চন আমার কন্টিনিউ হব সেইটি, হ্যাঁ।